तरफ बढ़ते हैं, आखिरी हमारा टॉपिक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसमें उसका एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। ऑर्डिनेंस तो जारी बात है शॉर्ट लिव्ड होगा, या वो पार्लियामेंट में जाएगा अगर 120 दिन के अंदर अंदर वो नहीं होता अप्रूव तो वो फिर उसकी कानूनी शक्ल नहीं रहेगी, और शायद उससे पहले अदालतें उस पर नोटिस ले लें या पिटिशंस भी जाएंगी यकीनन ऑपोजिशन की तरफ से। बहरहाल वो एक अलग मसला है। उसके जो कंटेंट्स हैं, जो मुद्रजात हैं, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी अब बात करें, क्योंकि अभी तो सारी जो गुफ्तगू है वो चेयरमैन के तकरूर पे रही है मीडिया में भी, कि वो कौन आ रहा है, वो रह रहे हैं, जा रहे हैं एक्सटेंशन, लेकिन उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। सोलंकी साहब, थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा कि आप अगर एक मुख्तसरन एक समरी भी दे दें, आप देख रहे थे उसको आज आपने मुझे बताया, तो आप एक समरी दें, फिर हम आयशा से उसके ऊपर कॉमेंट लेते हैं। मैंने मुख्तसरन यही कहना है कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक एक तरमीम है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, और जो भी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स होती हैं उसके बारे में यही कहा जाता है कि कानूनी तौर पर वो ठहर नहीं सकती और अदालतें उनको उड़ा सकती हैं। ये इसलिए पर्सन स्पेसिफिक है कि इस पूरे ऑर्डिनेंस का मकसद ही ऐसा लगता है कि हर सूरत में आपने जो मौजूदा चेयरमैन है उसको बरकरार रखना है, इसलिए आपने वो एक्सटेंडेबल जो है वो उसको भी निकाला, इसलिए आपने एक ऐसी कमेटी बनाई है जिसका मकसद जो है वो डेडलॉक क्रिएट करना है, और फिर आगे आपने कोई रास्ता नहीं दे बताया डेडलॉक के बाद, और सिर्फ यही कहा है कि अगर डेडलॉक होता है तो इनकम्बेंट रहेगा। तो आपने घूम फिर के आपने एक तरह से एक उसको रिंग फेंस कर लिया है मौजूदा नैब चेयरमैन को, इनको हर सूरत में बरकरार रखना है। कब तक, 75 साल उनकी उम्र है, अब कब तक उनको बरकरार रखेंगे मुझे नहीं मालूम। दूसरा इसमें पर्सन स्पेसिफिक बात की है जिसका बर्मला ये इनके वज़रा ऐलान करते रहे हैं कि हर सूरत में शहबाज शरीफ से हम मुशावरत नहीं करेंगे। आपने उसको कानून का दर्जा दे दिया है कि अब जो है वो इमरान खान नहीं करेंगे बात, आरिफ अलवी करेंगे और वो इनसे बात करेंगे, लेकिन जो भाग के तीन पात जो है वो मकसद आपने उसी तरह से हासिल किया है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़े हैं, जजेस को, रिटायर्ड जजेस को रखने का मकसद एक तरह से इंटाइस करना है, रिश्वत देना है, उनकी पर्क्स प्रिविलेजेस हाईकोर्ट के बराबर रखने का मकसद भी यही है कि आपने जो है वो उनको नोट दिखाएंगे ताकि उनका मूड बने। तो ये पूरी एक माकरी है अदालती निज़ाम के साथ। जो जमानत है उसके लिए ये कहना कि जितने नैब इल्ज़ाम लगाए, रजा रूमी पे 100 अरब रुपए के का इल्ज़ाम हो, तो जब तक वो 100 अरब नहीं लाएंगे तो उनकी जमानत नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही एक मैलाफाइड एक कानून है, अदालतों को भी इसको उठाकर फेंक देना चाहिए, और जब ये सेनेट में पेश हो तो अपोजिशन को चाहिए कि आर्टिकल 89 के तहत इसको उठाकर फेंक दे। जी मुझे तो देखिए 100 अरब नहीं, मुझे तो एक ही काफी है, 1 अरब भी बहुत होगा, 100 तो छोड़िए। जी आयशा प्लीज बताइए जरा आप इसकी नैब के बारे में। देखिए जी, इसमें जो नजर आ रहा है, एक तो कुछ इन्होंने जाहिर है, एक तो ये है कि ये अपने पसंद का जो है चेयरमैन जो है वो लाना चाह रहे हैं, उस पर सबसे बड़ा झगड़ा तो उसी पे है, और मतलब उसमें उन्होंने इंश्योर किया है कि फर्ज करें कंसेंसस नहीं होता और ये मामला लटक जाता है, तो जो इनका न्यू अमेंडेड आर्टिकल है 5B2 उसमें उन्होंने ये भी प्रोविजो रखा है कि जब तक नया नहीं आता तो पुराना जो है वो कंटिन्यू करेगा, और बल्कि उसकी जो नेचुरली पावर्स क्लिप नहीं होंगी वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि एक फुल 4 साल के टेन्योर के लिए जो सिलेक्टेड होता है नैब का चेयरमैन। सो आपने मतलब के एक धांधली सी इसमें नजर आती है कि भाई देखें, ट्राई करेंगे कि इसको 4 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो फिर ये कानून पीपीए प्रोविजन भी हो कि फिर ठीक है, अगर नहीं लगाते, लटका देते हैं, झगड़ा चल रहा अपोजिशन के साथ, तो चलो ये जो है अपना काम ये करता चला जाए। मेरे ख्याल में इस पे सेनेट में जाएगा, ये नेगोशिएशन भी होंगी, तो ये इस पे मेरे ख्याल में ये
ये बहरहाल ये जो हिस्सा है कानून का, ये इसमें नजर आ रहा है कि ये एक्सटेंशन जो है वो जावेद इकबाल साहब को बिल्कुल देना चाह रहे हैं। दूसरा जो है ना जी, वो जो सोलंकी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि एक तो इन्होंने इसको करप्शन को नॉन बेलेबल ऑफेंस पहले भी था, लेकिन ये है कि इसमें उन्होंने एम्फसाइज किया है कि जी ना सिर्फ कि ये नॉन बेलेबल होगा, बल्कि ये कि अगर आपको कोई और कोर्ट जो है वो बेल नहीं दे सकती, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट वगैरह से जाके बेल नहीं ले सकते, और अगर किसी ने लेनी है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ही बेल देगा, उस सूरत में जो जितना आप पे इल्जाम लगाया है, मतलब कि अगर रजा रूमी साहब पे 100 अरब का है और उन्हें बेल चाहिए, तो 100 अरब की ये श्योरिटी देंगे, उसकी वैल्यू की जायदाद या कैश जमा कराएंगे, फिर आपको बेल मिलेगी। और मेरे ख्याल में इनकी नजर में जो रजा 100 अरब एन वाले ले आएगा बिल्कुल 100 अरब। तो ये मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ का केस है, ये उसकी उसकी मद्देनजर उसको रख के इन्होंने मेरे ख्याल में ये अमेंडमेंट जो है वो की है। अच्छा, अब उसमें एक और चीज ये है जी कि इन्होंने कहा है, एक चेंज ये लाए हैं कि जी जो अकाउंटेबिलिटी केस है ये 6 महीने के अंदर डिसाइड हो। अब भाई सबसे बड़ी बात यह है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो बहुत मुश्किल चीज होती है। आपके पास नैब में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में इतने जो है काबिल किस्म के प्रोसिक्यूटर्स प्रोफेशनल नहीं हैं, और जितना पॉलिटिकल प्रेशर उन पे होता है, जो काबिल हैं भी, तो इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक केस जो है वो उसको करना, उसकी गुत्थी सुलझाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। जाहिर है उसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी, उसमें बहुत सारे जो मटेरियल जो है वो हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो, आपने अगर बाहर से लाना है, क्योंकि म्यूचुअल असिस्टेंस की हमारी ट्रीटीज तो हैं, लेकिन यू नो कई कई केसेस में कई दफा आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, डिले हो जाती है, तो 6 महीने में आप कैसे करेंगे। कुछ इन्होंने इसको लॉ को में कोई जो जिसे कहते हैं ना प्रोसीजरल चेंजेस भी लेके आए हैं। मसलन ये है कि इन्होंने कहा है, जो कि अच्छा है, इन्होंने कहा है कि जी इस चीज से बचने के लिए कि कोई कल को जिस पे इल्जाम लगा है, जिसका केस है, वो ये ना कहे कि मुझ पे तो जी मैंने तो ये बात नहीं की थी, तो वो कह रहे हैं कि जी सब जो बयान होंगे उनकी ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उसके ट्रांसक्रिप्ट तैयार होंगे, और वो जो विटनेसेस हैं वो ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे, अप्रूव करेंगे, और इन केस कि कभी ये झगड़ा हो जाए कि जी हमने तो ये नहीं कहा था, तो फिर आपके पास ऑडियो विजुअल जो एविडेंस है वो मौजूद हो कि भाई ये टू फॉल बैक ऑन कि हाँ जी इन्होंने ये बात की थी या नहीं की थी। लेकिन इस जमन में, क्योंकि ये प्रोसीजरल चीज तो मेरे ख्याल में अच्छी है, लेकिन मसला ये है जी कि जब आप नैब खुद एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, तो एक इंडिपेंडेंट इदारा जो है वो देखे ना, हमारे यहाँ जो कानून शहादत है, अगर कोई मारा जाए या कुछ हो तो उसका कहते हैं कि जी मैजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दे, पुलिस की कस्टडी में अगर दे दिया जाएगा बयान तो वो नहीं समझा जाएगा कि वो सही है, वो अंडर पुलिस प्रेशर होगा। तो नैब भी तो वैसा ही इदारा है ना, ये ये पुलिस की तरह का है कि ये जबरदस्ती भी करता है, ये उठा के लेके जाता है, और दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है, इसका अलग से बजट जो है वो अप्रूव नहीं होता, इसकी इसके जो अपॉइंटमेंट्स में, इसके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। सो ये जो 6 महीने वाली करनी और ये जो प्रोसीजरल चक्कर हैं, ये उसी वक्त समझ आएंगे या उसी वक्त ये काम करेंगे जब इदारा इंडिपेंडेंट हो। एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगी रजा, वो ये है कि ये जो जिस नहज पे हम आए हुए हैं ना इस वक्त नैब के सिलसिले में, इसमें हुकूमत का भी बदध्यानती है, कसूर है, और मैं समझती हूँ इसमें ऑपोजिशन पार्टीज
का भी एक तरह से कसूर है, वो ये है कि जब कोई भी पार्टी हमने देखा है कि ताकत में होती है उस वक्त ये घबराते हैं इस मामले को हाथ लगाते हुए कि नैब जो है करना क्या है, इसको ख़त्म करना है, इसको चलाना है, चलाना है किस सूरत में। एक बात तो रजा पक्की है और आप भी इस पे इत्तेफाक करेंगे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी का या सीरियस जो फ्रॉड है या वाइट कॉलर क्राइम है उसको रोकने के लिए हर मुल्क को, पाकिस्तान को भी एक इदारा चाहिए। नैब बना था एक बदनीयती की बुनियाद पे कि सियासी तौर पे सियासी जो दुश्मन है परवेज मुशर्रफ के, उन्होंने कहा उनको उनकी गर्दन दबोची जाए, उनको सजाएं दी जाएं, उन पर प्रेशर डाला जाए। इसकी नीयत इसके पीछे खराब थी, लेकिन क्या हम इसको ठीक नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में सब बड़ी पार्टियों को, छोटी पार्टियों को भी इस पे एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, इकट्ठे हों कि भाई आगे हमने क्या करना है। अब जैसे ये जो नए नैब के लॉ में अमेंडमेंट्स आए लाए लेके आए हैं, इसके बाद तो आपके बहुत सारे आपकी ब्यूरोक्रेसी वैसे इसकी वजह से उनके पास एक बहाना है, काम नहीं करते, इसके बाद मजीद काम करना बंद कर देंगे। तो आप अपनी स्टेट ब्यूरोक्रेसी में से करप्शन जो है, और करप्शन सीरियस मामला है, लेकिन जो सियासतदान ये कहता है ना कि जी नहीं गरीब आदमी का मसला जो है ना वो रिश्वत सतानी या करप्शन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो लोगों से भी झूठ बोल रहा है। रिश्वत सतानी करप्शन एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करें, उसको रोका कैसे जाए, जरूरी नहीं कि आप हर इदारे में जाके थानेदारी करें, लोगों को सजाएं दें इस तरीके से और थानेदार बन जाएं। इसको खत्म करने, इसको प्रिवेंट करने की करप्शन को बहुत जरूरत है, और उसके लिए कंसेंसस की और एक नया एक रूह इस इदारे में डालने की, इसको तब्दील करने की इसकी डायरेक्शन जरूरत है, ना कि ये एक वो इदारा बन जाए जो कि अब बना हुआ है कि सिर्फ सियासी दुश्मनों को और राइवल्स जो है उनको पकड़ने और अजियत देने वाला। जी, उनको ठिकाने लगाने के लिए एक जुमला मैं कहूंगा। जी कहिए कहिए। मुर्दे को इंजेक्शंस नहीं लगानी चाहिए, मुर्दे को दफन करना चाहिए। ये इदारा जो है ये अपनी जो मकासद है वो पूरा कर चुका है, और जो मकासद है वो वही है जो कि सब बयान करते हैं, डॉक्टर साहबा ने भी बताया। एक एहतसाब की इदारे की जरूरत है, लेकिन वो उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए। वो छतरोल और हब से बेजा में रखने से वाइट कॉलर क्राइम जो है वो उनकी तफ्तीश नहीं होती, उसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए जिनको वाइट कॉलर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन का तजुर्बा हो और तालीम हो, और वो सबको का एहतसाब करें। ये नहीं होगा कि जजेस जो है उनके लिए कोई और इदारा होगा, जनरल्स के लिए कोई और इदारा होगा, तमाम वाइट कॉलर क्राइम वो कोई भी करे उन सब के लिए वो इदारा हो, किसी के लिए कोई इस्तेस्ना ना हो। जी बात देखें, बात ये कि बात ये सही कह रहे हैं कि इसको चेंज करने की जरूरत है। इस पर से दो चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगी। एक तो ये है कि बहुत अच्छा काम ऑलरेडी हुआ है, कि बहुत सारे इसमें जो चीजें हैं म्यूचुअल असिस्टेंस के हवाले से बहुत सारे अच्छे सिस्टम्स भी हैं। अब मसला ये है कि इसकी पॉलिटिकल डायरेक्शन चेंज करनी है। मेरे ख्याल में अगर इसको कोई भी ख्याल में पार्टी जो है नैब को बंद नहीं कर सकती। ये पॉलिटिकली बड़ा एक ऐसा मामला है कि लोग इससे छिड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, लोग कहेंगे सारे बदनीयत हैं इकट्ठे हो गए वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में अगर इसको बंद भी करना है तो इट हैज़ टू बी विद अ प्रॉमिस, इस उसके इस एविडेंस के साथ कि जी इसकी जगह एक कोई नई चीज खड़ी हो रही है और उसमें एक कंसेंसस और गुफ्तगू जो है वो करने की जरूरत होगी। जी आयशा, आप बिल्कुल आपने सही कहा, मगर देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि जो मेरा मुताला भी है, चूंकि मैं ये मजमून पढ़ाता भी हूँ, तो जो एंटी करप्शन कमीशन या एजेंसीज जो दुनिया भर में उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर वो ऑटोनोमस नहीं है मुकम्मल तौर पर और उनके पास वसाइल नहीं है तो फिर वो बिल्कुल फेलियर की एक रेसिपीज है और वो विच हंट की एक 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 तरीका है, चाहे अफ्रीका में हो,
چاہے ایشیا کے ممالک میں ہو, صرف یہ کامیاب وہاں پہ ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے پاس حقیقی معنوں میں آزادی اور فسکل خود مختاری ہو, کہ ان کے پاس ایک بجٹ ہو اور ان کو جس طرح یہاں پہ انٹرفیرنس ہوتی ہے پاکستان میں ایگزیکٹو کی طرف سے, چاہے وہ سیٹنگ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ اور پارٹیز ہوں, یہ ادارہ بالکل جو ہے ناکارہ بن جاتا ہے. ہمارے پاس موجود ہیں ایف آئی اے موجود ہے, ایف بی آر موجود ہے, صوبوں میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں. یہ سفید ہاتھی بنا کر اس کو جو اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ, یہاں کی پاپولر لینگویج کے ساتھ, پاپولر کلچر کے ساتھ, کہ آپ نے اس کا مذاق بنا دیا. آج احتساب ایک جوک ہے, آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھیں تو وہ سب ہنس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ کیسی فنڈامنٹل چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی جگہ کچھ ہونا چاہیے, اشورنس ہونا چاہیے, اس کو ہمارے حکمرانوں نے انفارچونیٹلی پچھلے ٹھیک 20-21 سالوں میں جو ہے انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ان شارٹ. اور اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, اس کو بند کرنا ہوگا. جی سلنگی صاحب, ایک جملہ میں اور بھی کہوں گا کہ کرپشن دنیا کے اندر کہیں بھی ختم نہیں ہوئی, کم ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ کون سے ملکوں میں سب سے کم ہے, وہاں جہاں پر شفافیت سب سے زیادہ ہے, جہاں پریس کی آزادی ہے, جہاں پر کوئی مقدس گائے نہیں ہے, جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ مضبوط ہے. یہ کیمسٹری ہے کرپشن کو کم کرنے کی. جہاں پر آپ صرف جو ہے وہ ڈنڈے برسائیں گے اور جو طاقتور ہیں ان کی جو کرپشن ہے اس کو ڈر ڈر کے کوئی رپورٹ بھی نہیں کر سکے گا, جہاں پر پارلیمان نہیں ہوگی, جہاں پر سوالات نہیں اٹھیں گے, وہاں کرپشن اور بڑھے گی. اسی وجہ سے تمام تر کرپشن ختم کرنے کے ڈھنڈورے کے باوجود دنیا بھر میں پاکستان میں جو پرسپشن ہے کرپشن کا وہ اور مزید خراب ہوا ہے پچھلے تین سال. جی بالکل, اور تمام جو سرویز یہی شو کرتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے. شکریہ عائشہ, شکریہ سولنگی صاحب, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.